गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स बटन रोज़ की प्लांट केयर के बारे में। जी हां, आज हम बात करेंगे कि बटन रोज़ का जो पौधा है उसका अच्छे से आप ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलरली प्लांट अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स, बटन रोज़ का जो प्लांट होता है उसका नाम बटन रोज़ इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका जो फूल का साइज़ होता है वो नॉर्मल गुलाब के फूल की साइज़ से कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है, और गुच्छों में उगता है ये। आप इसको गमले में उगाना चाहते हैं तो गमले में भी उगा सकते हैं, ज़मीन में उगाना चाहते हैं तो ज़मीन में भी उग जाएगा ये। और अगर आप इसको एक वाइन की तरह उगाना चाहते हैं, एक बेल की तरह उगाना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि ये दीवार के सहारे ऊपर चढ़ जाए, तो ये वैसे भी चढ़ जाएगा और काफ़ी बड़ा ग्रोथ लेता है। इनको मिनिएचर रोजेस के नाम से भी जाना जाना जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि मिनिएचर वही इसलिए क्योंकि इनके जो फूल का साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता है। लेकिन आप इसके फूल के साइज़ में मत जाइए, ये जो पौधा है ये सारे सीजन फूल देता है, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों। गर्मियों में आपने इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप ना आती हो। छाए में अगर ये पड़ा रहेगा और आप इसकी अच्छे तरीके से इसका ख्याल रख रहे हैं तो ये आपको सारी गर्मियाँ फूल देगा। और सर्दियां तो इसका फूल देने का सीज़न होता ही है, तो आप इसको ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे 4 से 5 घंटे की सीधी धूप इसको मिलती रहे, उससे ये बहुत अच्छे गुच्छे में फूल आपको देता रहेगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। गुलाब की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी एसिडिक होती है। एसिडिक मतलब उसका पीएच लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब मिट्टी बनाएंगे आप, तो मिट्टी बनाते हुए आपने कुछ ऐसी चीज़ें डालनी है जिससे इसका एसिडिक लेवल थोड़ा बढ़ जाए। जैसे कि आप चाय की पत्ती डाल सकते हैं, या फिटकरी को चूरा बनाकर वो भी थोड़ा सा मिट्टी में डाल सकते हैं, जिसकी वजह से जो पौधा है थोड़ी उसकी मिट्टी एसिडिक बन जाए। तो आपने क्या करना है, 2 हिस्सा गार्डन सॉइल लेनी है, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट लेना है, और एक हिस्सा नॉर्मल सैंड लेनी है। सैंड में इसलिए डालने के लिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सैंड जब मिट्टी जो पॉटिंग मिक्स में होती है तो जड़ों को बढ़ने की जगह मिलती है, थोड़ा एरेशन मिलती है रूट्स को, और लाके फिर आप किसी भी गमले में लगा सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मिट्टी के गमले में लगाएं। मिट्टी के गमले में लगाने की सलाह मैं इसलिए देता हूं क्योंकि मिट्टी के गमलों में छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे कि मटके में अगर आप पानी रखते हैं तो पानी ठंडा रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि मटके में छोटे छोटे मिट्टी में छेद होते हैं, जिसकी वजह से हवा आती जाती रहती है और पानी ठंडा रहता है। वही कंसेप्ट मिट्टी के गमलों में भी होता है। अगर आप इसमें एक बार ही पानी दे देंगे तो मिट्टी के गमलों की पोर्स की वजह से वाटर इंटेंशन इतना अच्छा हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं रहती, और बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से आपका पौधा मरता भी नहीं है। तो इसी बात से बात कर लेते हैं अब इसको पानी कैसा चाहिए। पानी इसको सीमित तरीके से देना है आपने, जितनी इसको ज़रूरत है उतना ही पानी देना है। ना आपने अंडर वाटरिंग करनी है ना आपने ओवर वाटरिंग करनी है, क्योंकि गुलाब में रोग लगने का सबसे कॉमन रीज़न है कि लोग बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं और ऊपर छिड़काव भी कर देते हैं। फूलों वाले पौधे में जब आप ऊपर से छिड़काव करते हैं तो फूल तो है वो आपका अगले दिन मुरझा तो जाएगा ही, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा जो मॉइस्चर है वो फूल जो है झेल नहीं पाता। उसको आप हमेशा गमले में नीचे के मिट्टी से ही पानी दीजिए। और पानी आपने कैसे देना है, पानी आपने साइडों से देना है, आपने स्टेम के बहुत ज़्यादा पास पानी नहीं देना, और धीरे से पानी देना है। क्योंकि अगर एक बार आप, कई लोग क्या करते हैं प्रेशर से पाइप से पानी दे देते हैं, वो जो सारी मिट्टी है वो मिट्टी गमले से बाहर आ जाती है, तो आपने ऐसा भी नहीं करना। और इतना कम पानी भी नहीं देना कि मिट्टी एकदम हार्ड हो जाए और बिल्कुल उसमें भी पौधा अच्छी तरीके से ग्रो ही ना कर पाए। उसकी वजह से क्या होगा कि अगर मिट्टी में मॉइस्चर नहीं होगा तो पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए। लोकेशन आपने इसको, मैंने जैसे सर्दियों में बताया, ऐसी लोकेशन पर रख दीजिए जहाँ पर कम से कम 5-6 घंटे की धूप इसको मिल जाए, क्योंकि सर्दियों की जो धूप होती है वो झुलसाने वाली धूप नहीं होती, तो जो पौधा है वो जितनी उसको ज़रूरत है उतनी धूप ले लेता है। और अगर आपने फ्लावरिंग काफ़ी हैवी हैवी फ्लावरिंग इस पौधे पे चाहिए तो आप ऐसी जगह पे ही रखिए जहाँ पे इसको धूप मिल जाए। गर्मियों की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो गर्मियों में आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे छाया ज़्यादा हो और सुबह की 2 घंटे की धूप इसको मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि मिट्टी में गर्माइश जब आ जाती है तो गुलाब का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता। लेकिन जो बटन रोज़ का प्लांट है वो गर्माइश जब मिट्टी में होती है या गर्मियों का जो सीज़न होता है उसमें भी अच्छी ग्रोथ कर लेता है। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र के बारे में। गुलाब का जो पौधा होता है काफ़ी हैवी फीडर प्लांट होता है, और फूल वाला पौधा लगाने का फ़ायदा तभी है जब उसमें कोई फूल आ रहे हो, नहीं तो फूल वाले पौधे लगाने का मज़ा नहीं आता क्योंकि उसमें फूल नहीं बनते।
तो आप इसमें कोई भी फर्टिलाइजर डाल सकते हैं जो आप डालते हैं, जैसे DAP डाल सकते हैं, NPK डाल सकते हैं। NPK आपने कैसे डालना है, 1 चम्मच 1 लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट करके वो अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 ml पौधे में डाल देना है। ज़्यादा नहीं डालना कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, आप फूल पाने के लालच में ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर केमिकल डाल देंगे तो आपका जो पौधा है वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा और फूल तो नहीं देगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर खाद डाल सकते हैं, बनाना पील फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, और आप सीवीड फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी जो है ग्रोथ प्लांट की होती है। मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालने की फ्रेंड्स बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ा सा जो पौधे की मिट्टी होती है वो थोड़ी घुरदुरी हो जाती है, उससे पौधे की जो मिट्टी है काफ़ी अच्छी रहती है और वाटर रिटेंशन उसमें अच्छा रहता है। जो खाद अगर मिट्टी में डली होती है तो एकदम से पानी गमले से बाहर नहीं आता और आपका पौधा बचा रहता है। अब डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो आप इसमें हर 15-20 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, उसमें जितनी भी डिजीज़ है वो इसमें नहीं लगेंगी, आपका पौधा बचा रहेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। बटन गुलाब का जो आपका पौधा है या नॉर्मल गुलाब भी है, उसमें भी अगर आप ये टिप्स अगर अप्लाई करेंगे तो आपका जो पौधा है वो अच्छे तरीके से चलेगा। ये टिप्स आप अपने पौधे में भी अप्लाई करिए फ्रेंड्स, और अगर आपके साथ कोई भी इशू आता है पौधे में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।